बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी का 62वां जन्मदिन मुंबई कुर्ला स्थित ओसवाल जैन सेवा समाज हॉल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर सांसद वीर सिंह, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे, प्रभारी प्राध्यापक खंडारे एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता अशोक सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि 21 किलो का केक काटकर 62वां जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया, तो वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी नजर आया। इस खास मौके पर बसपा नेता अशोक सिंह का क्या कुछ कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। वैसे तो हम हर साल बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को मनाते, बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार भी और बढ़ चढ़ के पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, चार चार बार सरकार बनी है बहुजन समाज पार्टी की, उसके मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। राज्यसभा सांसद थी, जिन्होंने राज्यसभा सांसद को अभी जैसे उनको बोलने नहीं दिया गया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया। तो ऐसी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन इस बार हम लोगों ने बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया है और महाराष्ट्र में भी उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम था इस जन्मदिन के? नहीं, 15 जनवरी को तो जो हमने कुर्ला में बनाया, कुर्ला बेस्ट में जो कच्ची हाल था कुर्ला कोर्ट के सामने, हम वहां पे बड़ी धूमधाम से उसको मनाए। बहन जी ने जिम्मेदारी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, जो यहाँ के प्रभारी है, राज्यसभा सांसद है, वीर सिंह जी को दिया था और बहन जी का आदेश मुझे भी था कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से मनाना है, तो मैं वहां का आयोजक बना और बहन जी के आदेश के हिसाब से इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाया। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये जो अभी जोया केस मामला है, जो चार जज आपके सामने अपनी प्रतिक्रिया दिए और इस तरीके का बात, कुछ न कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है और सरकार, वो जो जज का कहना था कि सरकार इस तरीके का काम कर रही है, दबाव में काम कर रहे हैं, उनको फ्रीडम चाहिए जजों को, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है क्या जजों पे इस तरीके से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरएसएस के हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनकी मुट्ठी में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि देखो ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में उसकी सरकार बनी है, वो संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी इस पे बहुत सारी चीजों का खुलासा किया हुआ है, जैसे ईवीएम का घोटाला जो इन लोगों ने किया है, अभी भी जो सरकार ये बना रहे हैं ये घोटाला करके बना रहे हैं। बहन जी ने जिस दिन रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आया उसी दिन सारी चीजें स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम का घोटाला है, उसके ऊपर केस किया, वकील लगाए। बहन जी ने सारी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया है जो संविधान के मुताबिक चलता है, बहन जी उसका पालन कर रही हैं और वो एक न एक दिन ऐसा खुल के आएगा कि इनको मानना पड़ेगा कि ईवीएम का घोटाला है। तो ये बीजेपी जो कर रही है ये सारी चीजें, वो मनमानी कर रही है, नोटबंदी ये सब जो कर रही है, किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये मनमानी किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप जब जजेस अगर बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वाकई में इसमें समस्या दिख रहा है कि 100% वही तो बता रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी मूड में, जैसे कि खुद की भारतवर्ष सिर्फ उसका है, इंडिया सिर्फ उसका है, बाकी किसी का, किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वो जो चाहती है वो कर देती है, जो चाहती है वो डिसीजन लेती है, किसी से राय मशवरा नहीं करती है। अरे पार्लियामेंट में इसकी बहस होनी चाहिए, जो कुछ भी हो तो देश की जो देश का जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है उस संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन वो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी। देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसके मुताबिक अगर चलने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी और उसके मुखिया बहन कुमारी मायावती जी। तो जज जोया के रुख, अगर पूरे पूरे मसले को देखा जाए तो बीएसपी का रुख क्या है, क्या क्या करने वाले, अगला कदम क्या होगा? बीएसपी सत्ता में जब आएगी, अभी तो सत्ता में नहीं है, बीएसपी सिर्फ बोल सकती है, बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ बातें अपनी अपना पक्ष रख रही हैं, जिस दिन सरकार आ जाएगी उस पे एक्शन लेगी। सरकार तो है नहीं अभी केंद्र में, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो बीजेपी का जो नखरे हैं, बीजेपी की जो मनमानी है उससे उब चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 2019 में बहन कुमारी मायावती जी के अलावा किसी और के पास कोई चारा नहीं। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, ये भीमा कोरेगांव का जो मसला आपने देखा, कोई सड़क पे उतर गया, दलित की हत्या, किस प्रकार से देखते हैं और सरकार का इसमें क्या? तो इसमें ऐसा है कि जैसा कि बहन जी ने एक बिल्कुल इस बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने तीन तीन बार, चार चार बार
प्रेस नोट जारी किया है, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, मीडिया के सामने सारा खुलासा किया है इसके बारे में। लेकिन जो महाराष्ट्र के लिए हम लोगों को आदेश था मोहन कुमारी मायावती जी का, वो था कि शांतिपूर्ण से, क्योंकि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है, कानून को हाथ में नहीं लेना है हमें, इस तरह से बहन जी का आदेश था। तो हमारे यहाँ के लाखों लोग वहां पे ये जिसका विरोध किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन अपने यानी कानून को तोड़ के नहीं, रोड पे आके नहीं, तो ये तोड़ फोड़ करके नहीं, उनका उनका विरोध था भीमा कोरेगांव में। वहां के जो लोग थे, जो वहां पे दलित थे, वहां पे सड़क पे आए थे, शांति ढंग से इस चीज को वहां पे विरोध किया था, लेकिन जो बहन जी का आदेश था उसका पालन करते हुए जो कुछ भी किया था। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत गलत हुआ है, ये बीजेपी की रणनीति थी, नहीं तो बीजेपी अगर चाहती तो वहां पे पहले से प्रशासन अगर दुरुस्त रखती तो ऐसा नहीं होता था। अब की बार जो वहां पे लाखों लोगों ने बाद में जाके जो शपथ लिया है, दलित समाज के लोगों ने, उन्होंने कहा है कि 2019 में हम बीजेपी का सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। सर, एक अपना संविधान बचाओ अभियान चल रहा है जिसमें कई सारी पार्टियां एक हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? बहुजन समाज पार्टी तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी इस चीज को कह रही है, इस चीज को बहन कुमारी मायावती जी ही कह रही ना कि ये जो कर रहे हैं तो ये बीजेपी चाहती है कि संविधान में छेड़छाड़ हो। ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी इस चीज के लिए आगे हैं, सबसे आगे बहुजन समाज पार्टी है कि संविधान बचाओ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ तो संविधान बच सकता है, ऐसा बहन कुमारी मायावती जी का कहना है पूरे देश के लिए, या ये कहना है उनका, एक आह्वान है। 26 जनवरी के पर्व पे, आने वाले 26 जनवरी को मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस के दिन पे शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई देता हूँ। पार्टी के नेतृत्व में ही शायद इस बार 2019 में जो सरकार बनेगी बिना बहुजन समाज पार्टी के इन्वॉल्व हुए वो सरकार। सुनील खांबे, बहन जी का 15 जनवरी का जो जन्मदिन मनाया गया, इस जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने जो तरीके से जोर शोर में अशोक जी सिंह साहब के नेतृत्व में जो बर्थडे मनाया गया, उस बर्थडे मनाते समय एक इस देश में, एक महाराष्ट्र में, बम्बई में एक ऐसा आशावादी वातावरण तैयार हो गया कि आने वाले 2019 को हम बीएसपी की तरफ से बहुत जोर शोर में अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, और हमारा कार्यकर्ता ने बहुत ही जोर शोर में पूरे भारत को शुभकामनाएं दी है बहन जी के अवसर जन्मदिन।